हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो लेक्चर पे, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जानवरों में होने वाली ब्याध के बाद होने वाली, मतलब ब्याने के बाद होने वाली सभी समस्याओं के अंत के लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, आप लोग बहुत ही प्रकार के यूट्राइन टॉनिक उपयोग करते हैं जब आपका पशु ब्याता है। ब्याने के बाद आप विभिन्न प्रकार के जेर सफाई के, आंवर सफाई के टैनिकों को लाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग जानते हैं कौन कौन से यूट्राइन टैनिक, मतलब जेर गिराने वाले प्रोडक्ट अच्छे हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानकारी लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 6 प्रोडक्ट हैं दोस्तों। सबसे पहले है फिरबैक फार्मास्यूटिकल्स का यूट्रीवाइब लिक्विड, जो कि 1 लीटर की अवेलेबिलिटी में हमारे पास है। उसके बाद है प्रोसीटॉनिक, जो कि 2nd नंबर पे है दोस्तों। प्रोसीटॉनिक इंटास कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद 3rd प्रोडक्ट है दोस्तों यूटोन, जो कि त्रिवेणी फार्मास्यूटिकल्स का, त्रिवेणी हर्बल का प्रोडक्ट है। उसकी अवेलेबिलिटी 450 ml और 900 ml में है हमारे पास दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है यूटरेटोन। तो यूट्रेटोन की भी अवेलेबिलिटी दोस्तों हमारे पास 450 ml और 900 ml की है। उसके बाद है एक्सा यूट्रेटोन टॉनिक, है कैटल रेंडीज का एक अच्छा बेहतरीन टॉनिक है। उसके बाद अपने पास अगला प्रोडक्ट है दोस्तों एक्सापार, जो कि आयुर्वेद कंपनी का बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है। और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 500 ml एंड 1 लीटर पर है दोस्तों। फिर उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूट्रीफिट टॉनिक यहाँ पर है हमारे पास इंडियन हर्ब्स की, वो भी एक बेहतरीन टॉनिक के रूप में है। तो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कि ब्याने के बाद पशुओं को यूट्राइन टॉनिक आखिर क्यों देना चाहिए। फिर तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, जानवर के शरीर में या पेट में जब बहुत दिन से गर्भाशय में बच्चा होने के साथ साथ वहाँ पर कुछ मात्रा में प्लेसेंटा आती है, प्लेसेंटा का मतलब जिसको हम लोग कहते हैं आंवर आती है, तो उस आंवर को ब्याने के बाद निकलना बहुत ज़रूरी होता है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के प्रजनन क्षमता को मेंटेन करने के लिए, पशुओं में होने वाली किसी भी प्रकार की समस्याओं को रोकने के लिए हमें यूट्राइन टॉनिक, मतलब जेर गिराने वाली दवा अवश्य पिलानी चाहिए। अगर हम लोग दोस्तों डोज की बात करें, तो अगर आपके पशु की आंवर आराम से निकल गई है तो वहाँ पर डोज हो जाएंगे 100 ml सुबह, 100 ml शाम। अगर आपके पशु की जेर या झर फंस गई है तो वहाँ पर यही डोज 200 ml सुबह शाम से लेकर 250 ml सुबह शाम तक हो जाते हैं, जो कि कुनकुने पानी में देना होता है। दोस्तों हमारे पास कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नहीं हैं, जैसे मैनकाइंड का एक यूट्रासेप्ट टॉनिक है, वो भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। हिमालय का हिमरोप प्लस एंड हिमरोप, 2 प्रकार के टॉनिक आते हैं, वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं। टिनेटा फार्मास्यूटिकल्स का मेट्रा एक प्रोडक्ट है, वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है। बद्री बायोलॉजिकल का हर्बल गायन द्रव आता है, वो भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है दोस्तों। उसके बाद हर्मोटोन नोवर्टिस का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आता है, वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो दोस्तों अगर यूट्राइन टॉनिक, हम लोगों को सबसे पहली बात है कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं, कब कब इसको देना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका पशु जैसे कि ब्याह गया है, उसके तुरंत बाद पशु की बच्चेदानी की सफाई के लिए या पेट की सफाई के लिए या झर की सफाई के लिए या आंवर की सफाई के लिए आपको इन सभी यूट्राइन टॉनिक्स में कोई एक यूट्राइन टॉनिक को लेना चाहिए, और उनमें से अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसा कि जैसे जानवर की झर फंसी है या नहीं फंसी है, तो अगर फंसी है तो वहाँ पर 200 ml सुबह, 200 ml शाम का डोज रहता है, और अगर झर नहीं फंसी है, पूर्णतः निकल चुकी है, तो वहाँ पर 100 ml सुबह, 100 ml शाम का डोज रहता है। दोस्तों यह रुपया में तो इकोनॉमिकल है ही हैं, जितनी भी सारी आप यूट्राइन टॉनिक देख रहे हैं, सारी किसी का MRP 290 है, किसी का 320 है, किसी का 300 है, किसी का 207 है, किसी का 340 है, किसी का 260 है, और किसी का 335 है। इस तरीके की सभी MRPs हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रही बात डोज की, अब इनका काम क्या क्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जानवर के ब्याने के बाद जानवर के मूत्र मार्ग से कुछ ना कुछ बदबू आना, या कुछ आंवर फंसी रह जाना, या आंवर का सड़ के बाहर आना, या आंवर या जो जेर है उसके साथ थोड़ा सा खून आना,
या जानवर के गर्भाशय के रास्ते द्वारा खून आना, या बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो जाना, या संक्रमण हो जाना, या जानवर का चारा कम करना, या जानवर का दूध कम करना, या जानवर का बार बार रिपीट कर जाना, जानवर का बार बार पलट जाना, उन सभी समस्याओं में दोस्तों हम लोग यूट्राइन टॉनिक देते हैं। उसके बाद यूट्राइन टॉनिक के दोस्तों काम क्या क्या हैं, ये दोस्तों झर तो साफ करते ही हैं, आंवर तो साफ करते ही हैं, यानी चेहरे तो साफ करते ही हैं, उसके साथ में बच्चेदानी यानी गर्भाशय को एक समुचित पूर्णतः साफ पूरा आकार देते हैं। और यूट्राइन टॉनिक और क्या करते हैं दोस्तों, बच्चेदानी में जो होने वाले घाव हैं, कट्स हैं, वाउंड्स हैं, उनका भी क्या करते हैं, ये उनको भी भरते हैं, उनको भी हील करते हैं, उनको भी एक समुचित इलाज देते हैं। उसके बाद और जो बच्चेदानी में होने वाली सूजन है या गर्भाशय में होने वाली पशुओं की सूजन है उसको भी कम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर अजवाइन का उपयोग किया गया है, जो कि अजवाइन जो है नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, वो बच्चेदानी में होने वाली सूजन को भी कम करता है। और पशुओं की बच्चेदानी यानी गर्भाशय में होने वाले सभी प्रकार के दोषों को दूर करते हैं। तो सभी दोस्तों यहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आज हम लोग जान रहे हैं, और यही सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, आप लोग उनको दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन भी हो गया है आपके पशुओं में, तो आप जैसे जानवर कहते हैं कि बच्चेदानी इन्फेक्शन हो गया है, बच्चेदानी में सड़न हो गई है, उसके लक्षण होते हैं, जानवर दाना चारा एकदम छोड़ दे रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों आप कोई सा भी बेस्ट टॉनिक, जैसे कि अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों सबसे ज़्यादा यो मेनली यूट्रीफिट है, जैसे एक्सापार है, यूट्रेटोन है, मेट्रा है, हार्मोटोन है, और प्रोसी है, यूट्रीवाइव है, ये कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनका रिकमेंडेशन रहता है। तो उस हिसाब से आप कम से कम 2 से 3 बोतल पूर्णतः सफाई होने तक देना है। जो भी पशुपालक अपने जानवर की जड़ सफाई के लिए बांस की पत्तियां, तेल और गुड़ वगैरह जो भी चीज़ें देते हैं, अरहर की दाल वगैरह देते हैं, अगर वो देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी महंगा पड़ जाता है और उतना बेहतर उपयोग या उतना बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। कहीं कहीं पर दोस्तों आप लोग देखते हैं तेल ज़्यादा दे देने के बाद जानवर आपका ऑफ फीड हो जा रहा है, जानवर दाना चारा कम कर रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों अगर आप यूट्राइन टॉनिक यानी चेर सफाई वाली दवा पिलाते हैं तो आपको एक बेहतरीन अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है, अगर आप इसी तरीके की सारी ब्रांडेड दवाओं के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही अभिमान की बात होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।